हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से और एक घर का प्लान में स्वागत करते हैं। देखिए, पहले से हम ड्राइंग को कंप्लीट करके रखे हैं, तो देख सकते हैं घर का एंट्री इधर से है। यहाँ पर आपको एक बड़ा हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि हॉल का जो साइज है, लंबाई और चौड़ाई है। देखिए, लंबाई है 15 फीट 0 इंच और इसका जो लंबाई है वो आपको देखने को मिल जाएगा 14 फीट 0 इंच, तो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इधर एक बेडरूम है, तो बेडरूम का जो साइज है वो आपको लंबाई और चौड़ाई वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको 11 फीट 0 इंच देखने को मिल जाएगा, और इस साइड से आपका जो है वो आपको देखने को मिलेगा 10 फुट 12 फुट 0 इंच। ओके, तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस साइड में और एक बेडरूम है, जिसका लंबाई चौड़ाई जो है ये आपको देखने में मिलेगा इधर से 11 फीट 0 इंच, और इस साइड से आपको देखने में मिलेगा 12 फीट 0 इंच। तो काफ़ी बड़ा बड़ा रूम है। उसके बाद आपको इस साइड में और एक बेडरूम देखने को मिल जाएगा, जो कि साइज है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपको देखने में मिलेगा 10 फुट 5 इंच। उसके बाद इस साइड से आपको देखने में मिलेगा इसका 12 फुट 0 इंच, तो ये भी काफ़ी बड़ा है। और एक बेडरूम इधर है, तो बेडरूम का जो साइज है इस साइड से आपको देखने को मिलेगा 10 फुट 5 इंच, और इस साइड से आपको देखने को मिलेगा 12 फुट 0 इंच। तो देखिए, यहाँ पर एक किचन है, किचन का जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको देखने को मिल जाएगा 7 फीट, 7.5 फीट का आसपास आएगा, लेकिन 7 फीट 0 इंच हम रख रहे हैं, और इसका चौड़ाई जो है वो आपको 6 फीट 5 इंच देखने में मिलेगा। इसका साइड साइड में ही आपको एक सीढ़ी स्टेयर देखने में मिलेगा, स्टेयर के नीचे में लेटरिन प्लस बाथरूम होगा। सीढ़ी की चौड़ाई है 7 फीट 0 इंच, और इसका लंबाई होगा 7 फीट, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन 7 फीट 0 इंच है। यहाँ पर मतलब सीढ़ी जो है थोड़ा ढालू होगा, तो वही हिसाब से यहाँ पर मिस्त्री को बनाना पड़ेगा, नहीं तो चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ पर 7 फुट 0 इंच। ओके, तो देख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर जो लेटरिंग बाथरूम का जो चौड़ाई होगा, यहाँ पर आराम से 3 फीट इसका जो चौड़ाई है वो हो जाएगा, और लंबाई 7 फीट 0 इंच होगा। देख सकते हैं इसको आराम से, यहाँ पर नहा धोना, कपड़ा सफ़ा करना, लेटरिंग सब कुछ हो जाएगा आराम से इसके नीचे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सब जगह में लिख दिए हैं, तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ पर इसका कॉलम पिलर होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले इसका जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो देख लीजिए। लंबाई जो है 40 फीट 0 इंच है, और इसका जो है चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई है 23 फीट। अब इसको देख सकते हैं, हम लिख रहा हूँ 23 फीट 0 इंच, टाइटल में जो भी लिखा था वही है। उसके ऊपर ये देखिए कॉलम जहाँ जहाँ पर होगा, हम थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ कॉलम या पिलर, सबको अब ध्यान से देख लीजिए और देखिए फ्रेंड्स इसको। तो कलम जहाँ जहाँ पर होना चाहिए हम आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। घर का मेन मजबूती ही कलम है, कलम या पिलर। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है कलम का जो साइज है वो भी हम लिखेंगे, और वॉल का जो साइज है वो भी लिखेंगे। तो कलम या पिलर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको एरिया में जो बोला जाता है। तो कॉलम या पिलर, पिलर या कॉलम, इसका जो साइज है यहाँ पर हम 10 बाई 10 रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वॉल, सभी वॉल यहाँ पर 5 इंच है, 5 इंच है सभी वॉल यहाँ पर 5 इंच ही है। तो जितना भी यहाँ पर वॉल है सभी वॉल, और आपका पिलर जो है सभी पिलर यहाँ पर 10 बाई 10 है। तो जितना भी विंडो है हम हाईलाइट कर रहा हूँ, हम वेंटिलेटर विंडो जो भी है वो आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप विंडो आपके हिसाब से रखिए, 3 बाई 3 रखिए, 3 बाई 4 रखिए, आपको जो सही रहेगा। डोर के पास में 2 विंडो दिया हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा लुक। वॉल जो है यहाँ पर वॉल सबको हम हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा इसको आगे देख सकते हैं। और यहाँ पर और एक बात बताते हैं फ्रेंड्स, आपको कोई भी हाउस प्लान चाहिए तो हमारा साथ संपर्क करें, हम ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आप फ्रेंड्स
प्लीज़ हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर हाउस प्लान चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सब हाईलाइट कर दिया हूँ। यहाँ पर सामने में हॉल के पास में आप दो विंडो रख सकते हैं, आप चाहे तो, अगर नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर विंडो किए रखा हूँ सब विंडो हाईलाइट कर रहा हूँ, वेंटिलेटर भी हाईलाइट कर रहा हूँ। पहले ही बता दिए विंडो आप अपने हिसाब से रखिए, वेंटिलेटर जो है वो आप एक बाई एक रख सकते हैं, चेंज बाई चेंज भी रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये हाउस प्लान आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का हाउस प्लान था 23 फीट बाई 40 फीट के ऊपर, इसका जो टोटल स्क्वायर फीट है 920 स्क्वायर फीट के ऊपर ये हाउस प्लान था। छोटा जगह के ऊपर, कम जगह के ऊपर, फोर बेडरूम का ये हाउस प्लान था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और एक घर का प्लान में।